हेलो बड़ीस, आज मैं जा रहा हूँ उमानंदा। उमानंदा इज अ शिव टेम्पल इन असम दैट इज वेरी वेरी फेमस। इट इज सिचुएटेड इन द पिकॉक आइलैंड दैट इज सराउंडेड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत मज़ा आता है, फेरी से जाते हैं, बोट से, शिप से जाते हैं हम उस आइलैंड में, पिकॉक आइलैंड में, ब्रह्मपुत्र रिवर को पार करके। और वो इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच वो पीकॉक आइलैंड है, उस आइलैंड पे वो टेम्पल है। तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सो आप सब भी मेरे साथ देखिए एंड एक्सप्लोर कीजिए कि कितना सुंदर वो व्यू आता है। सो लेट्स गो। सो मैं आ गया हूँ उमानंदा की साइड और हम पहुँच गए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, और उसके सामने हमारे बिल्कुल पीकॉक आइलैंड है। आप देख सकते हो पीकॉक आइलैंड का व्यूज़ बहुत ही प्यारा है। इस पीकॉक आइलैंड पे जाने के बाद हमें उमानंदा टेम्पल के दर्शन होंगे। तो ये पीकॉक आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल बीच में है और बहुत ब्यूटीफुल है। हमने फेरी की टिकट ली है और वो हमारी फेरी 30 मिनट्स में अभी आएगी। जब तक हम थोड़ा एनवायरमेंट की वाइब ले लेते हैं और थोड़ा फील कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल एनवायरमेंट को। दैट्स इट्स रियली ब्यूटीफुल। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ असम, आप यहाँ देख सकते हो। जस्ट हैव अ व्यू ऑफ दैट। सो फाइनली अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें फेरी मिलेगी उमानंदा के लिए, जो पीकॉक आइलैंड में है। मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ सामने। आप देख सकते हैं वहाँ पे इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच ये पीकॉक आइलैंड है, जिस आइलैंड में हमें जाना है। और बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है ये, और इस आइलैंड में ही हमारा उमानंदा टेम्पल है। और ये आप जिस देख रहे हैं फेरीज खड़ी हुई है, ठीक है, ये फेरीज ही हमको वहां लेके जाए। तो फाइनली फेरी के अंदर पहुंच गए हैं। फेरी में आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ सीट्स आर देयर एंड हर सीट पे आप लाइफ जैकेट्स रखे हैं, क्योंकि मिस हैपनिंग कुछ हो सकती है तो हम लाइफ जैकेट के थ्रू अपने आप को सेव कर सकें। बहुत स्पेस है, हमने सबसे ऊपर वाला कोच लिया है और बहुत अमेजिंग फीलिंग है। अभी थोड़ी देर में हमारी फेरी चलेगी और बहुत मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं ओवर देयर, वो वहाँ पे पीकॉक आइलैंड है जहाँ पे हम एंटर करेंगे और उमानंदा टेम्पल को देखेंगे। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। पूरा शूटिंग का सब अरेंजमेंट कर रखा है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो मैं आपको बाहर जाके थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है गाइस, के इतनी बड़ी ब्रह्मपुत्र रिवर और वहाँ पीकॉक आइलैंड, और हम इस फेरी में हैं और इतना सुंदर एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट। बहुत मज़ा आएगा। आप कभी भी असम में आए, उमानंदा ज़रूर आए, पीकॉक आइलैंड ज़रूर विजिट करें और फेरी का एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, बहुत अमेजिंग है। मैं वेट कर रहा हूँ कि फेरी चलेगी कब, तो चलिए आप भी उमानंदा का वेट करिए। सो राइट नाउ वी आर इन पीकॉक आइलैंड, यू कैन सी। अब उमानंदा के लिए वी हैव टू स्टेयर अप 100 स्टेयर। तो लेट स्टार्ट अवर जर्नी एंड लेट सी हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। तो इतनी स्टेयर चढ़ने के बाद हम यहाँ फाइनली ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद को लेने के बाद हम ऊपर जाएंगे चढ़ाने। जब तक मेरा फ्रेंड प्रसाद ले रहा है, मैं अपने शूज़ को यहाँ उतार देता हूँ, क्योंकि शूज़ ऊपर ले जाना आई थिंक अलाउड नहीं है। सो फाइनली दर्शन हो गए। लॉट्स ऑफ रश, लॉट्स ऑफ लाइन, ये इतना तो बनता है महादेव के दर्शन के लिए। आई गॉट दिस फ्लावर्स पेटल्स एज द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, यू कैन से। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। अब हमारी फेरी का भी टाइम हो गया है, तो चलते हैं अपनी फेरी की ओर।